नमस्कार। 28 और 29 फरवरी 2020 दैत्य गुरु शुक्राचार्य अपनी राशि का परिवर्तन या फिर कह लिए अपने स्वग्रही इस समय पे थे, अपने ग्रह का परिवर्तन करके अपनी मेष राशि में संचरण करने जा रहे हैं, जो कि मंगल की मूल त्रिकोण राशि है। कैसा रहने वाला है ये समय, कार्यखंड आने वाले समय में? देखिए, शुक्र के पास ऐसे प्रभार हैं जो आज के समय में सबसे ज्यादा जरूरी है व्यक्तियों के लिए, मानव जीवन के लिए। सबसे बड़ी चीज है, शुक्र को जो है धन के लिए देखा जाता है। शुक्र विवाह का कारक है, शुक्र भौतिक सुखों का कारक है, विदेश से संबंधित चीजों को भी शुक्र दिखाता है और घर के सुखों को भी शुक्र दिखाता है, मान सम्मान प्रतिष्ठा को भी दिखाता है। भोग विलास तो उसमें आ ही जाएगा। जिन लोगों का शुक्र अच्छा होता है उनके लिए धन की स्थितियां जो है सदैव जीवन में एक बैलेंस रूप जो है बना रहता है, या फिर कह लीजिए धन को बचत को भी शुक्र दिखाता है। व्यक्ति के कितना धन रहेगा व्यक्ति के पास, इसको भी शुक्र दिखाता है। एक चीज का यहां ध्यान रखिएगा, मैं सभी से कहना चाहूंगा, अगर शुक्र की दशा अंतरदशा चल रही है, महादशा या अंतरदशा चल रही है, शुक्र आपकी पत्रिका में अच्छी अवस्था में, प्रबल अवस्था में, दिग्बल में है, बलाबल में है, षडबल में है, तो ये शुक्र का राशि का परिवर्तन आपके लिए विशेष परिणाम देने वाला है। चलिए बात करते हैं मेष राशि वालों के लिए ये आने वाले समय कैसा रहने वाला है, इसके बारे में चर्चा करते हैं, जो कि राशि का परिवर्तन होने जा रहा है। देखिए, मेष राशि वालों के लिए अगर देखा जाए, आपकी राशि के ऊपर ही शुक्र का जो है राशि का परिवर्तन होने जा रहा है। आपकी राशि में द्वितीयेश और सप्तमेश एक जगह से विवाह को देखा जाता है, उस भाव का स्वामी है शुक्र। दूसरी जगह से धन की स्थिति देखी जाती है, जो कि बैंक बैलेंस। एक जगह पे शुक्र जो है अकारक कहलाते हैं सप्तम भाव में, एक जगह पे कहा जाएगा कारक, कारण उसका धन का है। शुक्र का लगन में बैठना ऐसे में कहलाएगा कि विवाह से संबंधित चीजों में पीछे से जो परेशानियां आ रही थी वो परेशानियां विवाह से संबंधित कुछ हद तक का दूर होंगी। विदेश से संबंधित चीजों के लिए समय काफी अच्छा कहलाएगा। जिन लोगों का विदेश से संबंधित पीछे से प्लान चल रहा था, ये आने वाला शुक्र का राशि का परिवर्तन मेष राशि वालों के लिए विदेश से संबंधित कार्यों में प्रबलता देगा, नए कार्यों की शुरुआत देगा, नए व्यवसायियों के लिए नए कार्यों की शुरुआत देगा। और पीछे से अगर वाद विवाद चल रहा था पार्टनरशिप में धन को लेके खासकर, उसके लिए दिन बहुत अच्छा कहलाएगा। वो आने वाले दिन जो है इस परिवर्तन का उन लोगों के लिए काफी अच्छा कहलाएगा। धन की योजनाएं बनाएंगे, धन से संबंधित प्लानिंग बनाएंगे और धन कहीं लटका हुआ है, फंसा हुआ है, उनको निकालने के लिए समय बड़ा अच्छा कहलाएगा। राजनीति और सरकारी तंत्र के लिए भी समय अच्छा कहलाएगा, खासकर संतान से संबंधित चीजों के लिए समय अच्छा कहलाएगा। जिन लोगों का पीछे से संतान को लेकर दिक्कत आ रही मेष राशि वालों के लिए, उनके लिए समय जो है अद्भुत है ये समय। इस समय को आप प्रयास करिए, और खासकर जिन लोगों का डिवोर्स इत्यादि चीजें चल रही थी, विवाह में विच्छेद चल रहा था, उनके लिए भी समय अच्छा कहलाएगा। पठन पाठन के लिए समय अच्छा कहलाएगा। नौकरी पीछे से अगर छूटी है मेष राशि वालों के लिए, यह समय उपयुक्त है नौकरी से संबंधित चीजों के लिए, और पारिवारिक एक सामंजस्य इस पीरियड में बनेगा। अगर पीछे से वैवाहिक जीवन में तनाव चल रहा था, तो इस समय पर तनाव जो है कुछ ना कुछ कम होगा। अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए, इस शुक्र का राशि का परिवर्तन का क्या परिणाम निकलने वाला है। देखिए, वृषभ राशि वालों के लिए अगर देखा जाए, यह राशि का परिवर्तन विदेश से संबंधित चीजों में लाभ दिलाएगा। खासकर अगर आप कला के क्षेत्र में हैं, खासकर आप होटल के क्षेत्र में हैं, खासकर आप जो है कपड़े या टेक्सटाइल से संबंधित क्षेत्र में हैं, या फिर कह लीजिए लग्जरी आइटम से संबंधित क्षेत्र में हैं, खाने पीने का जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं उनसे संबंधित क्षेत्र में, इन सभी क्षेत्रों के लिए, आयात निर्यात से संबंधित क्षेत्रों के लिए, विदेश के लिए ये समय काफी अच्छा कहलाएगा। विदेश जाने के लिए समय अच्छा है। पीछे से अगर फाइल फंसी हुई रुकी हुई है, उन सभी चीजों के लिए ये समय जो अच्छा कहलाएगा। उसका कारण है लगन का मालिक और आपका षष्ठेश होके द्वादश में जो है शुक्र का संचरण होगा इस समय पे, और चंद्रमा के साथ होगा। यात्राएं संभव है इस समय पे, जो है यात्राएं आपकी बढ़ जाएंगी। धन से संबंधित यात्राएं करेंगे, विदेश से संबंधित यात्राएं करेंगे और धार्मिक यात्राएं करेंगे। मुकदमेबाजी पीछे चल रही है, तो इस समय पे जो है चीजें आपकी बेहतर या आपके परिणाम जो है आपके फेवर में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, और खासकर उन मुकदमेबाजियों में
विवाह से संबंधित या नौकरी में धन को लेकर दिक्कतें चल रही है, मुकदमेबाजी चल रही है, धन से संबंधित मुकदमेबाजी चल रही है, उसके लिए समय अच्छा कहलाएगा। प्रयास करिएगा, आपकी चीजें बनती हुई दिखाई दे रही हैं इस राशि के परिवर्तन के अंतर्गत। धन लाभ की स्थिति, अकस्मात धन लाभ की स्थिति भी जो है इस समय पर दिखाई दे रही है। वैवाहिक जीवन में तनाव कम मिलता हुआ दिखाई दे रहा है या तनावों में कमी आएगी, बस एक चीज में तनाव बढ़ेगा, घर से दूर जाना पड़ सकता है कार्यों के लिए, उसके कारण वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा तनाव रहेगा या फिर कह लीजिए कि थोड़ा सा अलगाव रहेगा। नए कार्यों के लिए समय सामान्य कहलाएगा, नए कार्यों के लिए समय सामान्य कहलाएगा, बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, संतान से संबंधित थोड़ा सा कष्ट को भी दिखा रहा है। संतान, गर्भवती स्त्रियां अपने गर्भ का ध्यान रखें। विद्यार्थियों के लिए दिन जो है इस समय पे सामान्य दिखाई दे रहा है, सामान्य अवस्था में देखा जाए तो ये शुक्र का राशि का परिवर्तन धन के लिए, विदेश यात्रा के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए और पार्टनरशिप में काम करने के लिए, भाई बहन के सुखों के लिए, इन सभी चीजों के लिए राशि का परिवर्तन अच्छा कहलाएगा। पीछे की योजनाएं, पीछे क्या रुका हुआ धन इस समय पे जो है आपको मिल जाएगा या योजनाओं में जो है आप आगे बढ़ जाएंगे, अपने कार्यों को आप शुरू कर जाएंगे। समान अवस्था में ये कहा जाए वृषभ राशि वालों के लिए ये राशि का परिवर्तन अच्छे परिणाम देगा, सकारात्मक परिणाम देगा। चलिए बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए शुक्र का राशि का परिवर्तन कैसा रहने वाला है। देखिए मिथुन राशि वालों के लिए अगर देखा जाए, पंचमेश और द्वादशेश होकर शुक्र जो है लाभ भाव में चंद्रमा के साथ संचरण करेंगे। शुक्र चंद्रमा की युति धनदायक है, शुरुआती दो एक दिन शुक्र चंद्रमा साथ में रहेंगे, लेकिन शुरुआत में चंद्रमा का बल उनको मिल जाएगा। ऐसे में कहा जाएगा शुक्र का लाभ में बैठना धन के लिए मिथुन राशि वालों के लिए एक बहुत अच्छा समय कहलाएगा। शेयर मार्केट से संबंधित धन के लिए बहुत अच्छा समय कहलाएगा। नौकरी में प्रमोशन या ट्रांसफर या पीछे से वाद विवाद चल रहा है, मुकदमेबाजी चल रही है, सरकारी तंत्र या प्राइवेट तंत्र में हो आप, उन सभी चीजों के लिए दिन अच्छे कहलाएंगे। शुक्र का राशि का परिवर्तन ये सारी चीजें आपकी जो है पूरी कर देगा। यात्राएं इस समय संभव है और यात्राओं से लाभ भी मिलेगा, मित्रों का सुख मिलेगा, जो पीछे से मित्र आपसे दूर हो गए थे उन वो जो है धीरे धीरे आपके नजदीक आएंगे, मित्रों का लाभ भी मिलेगा और खासकर बहनों का, और खासकर बड़ी बहनों का लाभ मिलेगा, भाइयों का भी लाभ मिलेगा लेकिन खासकर बड़ी बहनों का लाभ मिलेगा। व्यवसायियों के लिए गोल्डन पीरियड कहलाएगा, बहुत अच्छा समय कहलाएगा। इस समय पे कुछ कार्य आपके जो है शुरू होंगे पीछे से लटके हुए, शुक्र धन का भी कारक है। सामान्य अवस्था में देखा जाए तो भोग विलास का कारक है, लग्जीरियस का कारक है। इस समय पे आप जो है सुखों को प्राप्त करेंगे या इच्छाओं की पूर्ति होगी। भाग्य इस समय पे शुक्र के कारण प्रबल अवस्था दिखाई दे रही है। वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छा समय कहलाएगा और संतान उत्पत्ति के लिए समय अच्छा है। पीछे से जो माए बहने संतान जिनकी उत्पन्न नहीं हो पा रही थी या फिर कह लिए किसी प्रकार का दिक्कतें परेशानी दवाई दारू में कोई भी दिक्कतें, उन सभी चीजों के लिए अच्छा है, चाहे वो कृत्रिम माध्यम हो चाहे वो प्राकृतिक माध्यम हो। आप इस समय पे प्रयास करिए, शुक्र के राशि का परिवर्तन आपको एक सकारात्मक बिंदु या पहलू देके जाएगा और धन के लिए विदेश से अच्छा है, विदेश से संबंधित यात्राओं के लिए अच्छा है। जो लोग नौकरी करना चाह रहे हैं विदेश में उनके लिए भी दिन अच्छे कहलाएगा या फिर कह लिए शुक्र का राशि का परिवर्तन अच्छा कहलाएगा। समान अवस्था में देखा जाए मिथुन राशि वालों के लिए आने वाले दिन काफी बेहतर दिखाई दे रहे हैं, काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं सभी प्रकार से। बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए शुक्र का राशि का परिवर्तन कैसा होने वाला है। देखिए कर्क राशि वालों के लिए अगर बात किया जाए तो दशम भाव में शुक्र को अकारक कहा गया है, उसके बलों में कमी को देखा गया है, लेकिन शुक्र जिस भाव में है, जिस भाव में संचरण कर रहे हैं या फिर मंगल की राशि में, उसका अधिपति छठे भाव में है। ऐसे में कहा जाएगा कि नौकरी में व्यवधान उत्पन्न करेंगे, नौकरी में प्रमोशन में व्यवधान उत्पन्न करेंगे, लेकिन एक शुभ ग्रह है। ऐसे में कहा जाएगा मंगल के भाव में है, मंगल जो है इस समय पे व्यवधान जरूर उत्पन्न कराएगा, लेकिन यह भी ये कहता है कि अपने पराक्रम अपने धैर्य से व्यक्ति चीजों को बना भी सकता है। सामान्य अवस्था में देखा जाए तो यह कहा जाएगा कि मेहनत के उपरांत आपकी चीजें बनती हुई दिखाई दे रही हैं। व्यवसायियों के लिए समय जो है योजनाएं बनाने का समय है, चीजों में अटकाव होगा, चीजें फंसेंगी, लेकिन उसके उपरांत भी जो है आपकी चीजें या फिर व्यवसाय आपके जो है चलते रहेंगे। धन आने की स्थिति जो है सामान्य है,
धन आने की स्थिति सामान्य है और धन फंसने की स्थिति भी सामान्य है। फंसने की स्थिति का मतलब ये हो गया, धन देने से इस समय पे परहेज करिएगा। लोन इत्यादि चीजें लेना है तो देख दाख के लीजिएगा, जहां लगाना है वहीं लगाइएगा। कारण उसका जो है, लाभेश शुक्र है और चतुर्थेश शुक्र है और दशम में बैठना, राशि अधिपति मंगल बनेगा, मंगल का छठे में बैठना। मंगल एक अग्नि तत्व है और शुक्र एक जलीय तत्व ग्रह है और जल और अग्नि का कोई मेल नहीं है। अग्नि जो है जल के आधार पर शांत हो जाती है, वही स्थितियां यहां पर भी दिखाई दे रही है। मंगल की राशि मतलब अग्नि, शुक्र वहां कर्म में बैठ गए मतलब जल। तो ऐसे में कहा जाएगा आपको सफलता मिलेगी, लेकिन मेहनत करने के लिए इस समय पे तैयार रहिएगा। वैवाहिक जीवन के लिए समय अच्छा नहीं कहलाएगा। वैवाहिकता को शारीरिक कष्टों को दिखाता, जो भी आपका जीवन साथी है उनके शारीरिक कष्टों को दिखाता है। थोड़ा सा स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं इस समय पे जो है परेशान करेंगी। यात्राएं संभव है, उन यात्राओं को देख दाख के करिएगा। कारण उसका जो है शुक्र चतुर्थ भाव में है, अधिपति जो है चतुर्थ भाव के भी हैं, शुक्र दशम भाव में, अधिपति चतुर्थ भाव के भी हैं और तृतीय भाव का स्वामी बुध बनेगा। बुध का जो है इस समय पे अष्टम में होना, चंद्रमा से लाभ भाव में, चंद्रमा से लाभ भाव में और शुक्र से एकादश भाव में मतलब लाभ भाव में। ऐसे में कहा जाएगा यात्राएं देख दाख के करिएगा। गाड़ी घोड़े पे नुकसान होगा, गाड़ियां जो है खराब होंगी, जिसके कारण मन खट्टा होगा और थोड़ा सा देख दाख के चलिएगा। सरकारी तंत्र से भी जो है गाड़ियों के कारण नुकसान हो सकता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। सामान्य अवस्था में देखा जाए धन की स्थिति सामान्य दिखाई दे रही है। घर परिवार से दूरी बनती हुई दिखाई दे रही है, घर परिवार से तनाव मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, खासकर कर्क राशि वालों को मैं कहना चाहूंगा। ये शुक्र के परिवर्तन में माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। और जिन लोगों को मधुमेह से संबंधित समस्या है, जिन लोगों को छाती से संबंधित समस्या है, जिन लोगों को पीठ से संबंधित समस्या है और जिन लोगों को हार्मोनल दिक्कत है, उन लोगों के लिए समय अच्छा नहीं है। ये समस्याएं आपकी बढ़ सकती हैं, थोड़ा सा इन समस्याओं को देख के चलिएगा। समान अवस्था में कहा जाए तो शुक्र जो है मिले जुले से परिणाम देगा, बहुत अच्छा भी नहीं दिखाई दे रहा, बहुत खराब भी नहीं दिखाई दे रहा। इस समय पे धैर्य से काम लीजिएगा और मेहनत को बढ़ा दीजिएगा। अगर मैं उपायों में बात करूं, दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करिएगा, दुर्गा सप्तशती का पाठ आपके लिए करना उचित रहेगा। और गणेश जी को जो है दुर्वा चढ़ाइएगा, मतलब जिसे हम लोग कहते हैं घास, दुर्वा। गणेश जी को जो है 11 दुर्वा जरूर चढ़ाइएगा हर बुधवार बुधवार को, और शनिवार को हो सके तो काली चीजों का दान करिएगा रात्रि में 8 बजे के बाद में। चलिए बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए ये समय कैसा रहने वाला है। देखिए सिंह राशि वालों के लिए समय देखा जाए तो भाग्य को बढ़ाने वाला है। भाग्य के सहारे अपने जो है धन या कर्म को जो है पीछे से फंसा हुआ अवरोध पैदा हो रहा था, उन सभी चीजों को अपने भाग्य के सहारे आप बढ़ा ले जाएंगे इस समय पे। कारण उसका जो है शुक्र आपके तृतीय है, शुक्र आपके जो है दशमेशों के जो के भाग्य में बैठना, शुक्र से तृतीय भाव में राहु का संचरण जो कि लाभ में विराजमान है, शुक्र से नवम भाव में 3 ग्रहों की युति मंगल गुरु केतु। ऐसे में कहा जाएगा ये गोचर आपके लिए लाभप्रद है। यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा, भाई बहनों का आपको सपोर्ट मिलेगा। पीछे से अगर भाई बहनों से वाद विवाद चल रहा था तो आप बैठ के बातचीत करने का समय है। आपकी चीजें, आपका मतभेद इस समय पे खत्म हो जाएगा और खासकर बहनों से बड़ा प्रेम बढ़ेगा या बहनों के कारण लाभ मिलेगा। यात्राएं और विदेश से संबंधित यात्राएं दोनों इस समय पे अच्छी दिखाई दे रही हैं। पीछे से आपकी प्लानिंग चल रही थी, रुक रही थी, फंस रही थी, इस समय पे आप प्रयास करिएगा, आपकी चीजें बनती हुई दिखाई दे रही हैं। व्यवसायियों के लिए और जो लोग नौकरी के साथ व्यवसाय करते हैं उनके लिए गोल्डन पीरियड कहलाएगा। शुक्र का ये राशि का परिवर्तन निसंदेह धनदायक है, अचानक धन देगा, अचानक लाभों को बढ़ाएगा। चाहे आप नौकरी पेशा हैं, चाहे आप जो है व्यवसायी हैं, व्यवसायी इस समय पे जो है नए काम शुरू कर सकते हैं। नए कामों की प्लानिंग इस समय पे जो है पीछे से रुक रही थी, फंस रही थी, उसकी रूपरेखा जो है इस समय पे आप जो है शुरू कर देंगे काम, या फिर इस समय पे रूपरेखा बना लेंगे जिसके आने वाले समय में उसको आप जो है बढ़ा लेंगे। धन फंसा है, रुका है, धन किसी ने आपको मार दिया है, कई दिनों से प्रयास कर रहे थे, तो इस शुक्र का राशि का परिवर्तन आपके लिए अद्भुत परिणाम देगा। शुक्र से तृतीय भाव में राहु है, राहु आकाशमात चीजों को दिखाते हैं और शुक्र का बल मिल रहा है, भाग्य को बढ़ावा दे रहे हैं शुक्र। समान अवस्था में देखा जाए तो ये समय कार्यों के लिए, धन के लिए, भाई बहनों के लिए, स्थान के परिवर्तन के लिए,
वाहन सुखों के लिए अच्छा कहलाएगा। संतान को लेके भी अच्छा समय दिखाई दे रहा है। जिन लोगों को संतान से संबंधित पीछे दिक्कतें परेशानियां चल रही थी संतान गर्भाधारण करने में, स्त्रियों को, उनके लिए समय अच्छा है। जो स्थितियां गर्भ धारण कर रखी हैं वो थोड़ा सा देख के चले, बहुत ज्यादा दिक्कतें परेशानियां नहीं है। और दिक्कतें क्या है, दिक्कतें दवाई, दवाई सोच समझ के खाइएगा, कोई जल्दबाजी में कोई दवाई मत खाइएगा। सामान्य अवस्था में देखा जाए तो शुक्र का राशि का परिवर्तन सिंह राशि वालों के लिए अद्भुत रहेगा। पीछे के काम रुके फंसे, और खासकर अगर दशा अंतर दशा आपकी जो है शुक्र की चल रही है और शुक्र आपकी पत्रिका में बली है, ऐसे में कहा जाएगा ये योग, ये समय आपके लिए अद्भुत रहेगा। इस समय का प्रयोग करिएगा, कोई विशेष उपाय नहीं है। इस समय पे आपको वैसे ही चीजें आपकी जो है पर्याप्त होती जाएंगी। अगर आपको कोई उपाय भी करना है तो मैं एक उपाय जो है बता देता हूं, सामान्य सा उपाय। अगर आपके घर के अगल बगल में शनि देव का मंदिर है तो शनि देव के मंदिर में जाके शनि देव को छाया दान, तेल ले लीजिएगा सरसों, छाया दान जो है शनिवार शनिवार कर दीजिए, लेकिन मंदिर के बाहर ही करिएगा, घर पे ना करिएगा। बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए शुक्र का ये राशि का परिवर्तन कैसा रहने वाला है। देखिए कन्या राशि वालों के लिए अगर देखा जाए, आपकी राशि से छठे भाव में शुक्र का संचरण होगा। शुक्र भाग्येश है, शुक्र आपके जो है द्वितीयेश है, मतलब धन भाव का स्वामी और भाग्य भाव का स्वामी होके अष्टम में बैठना, विदेश से संबंधित चीजों में अथाह लाभ, विदेश की प्लानिंग पीछे कर रहे हैं तो रुक रही थी चीजें, खर्च फंस रही थी, उन सभी चीजों के लिए समय अच्छा है। धन इस समय पे सेविंग होगी, धन इस समय पे जो है प्रबलता आएगी और धन बढ़ेगा इस समय पे। वैवाहिक जीवन के लिए समय बड़ा अच्छा कहलाएगा। माता के स्वास्थ्य में थोड़ा सा दिक्कतें होंगी और घर परिवार से थोड़ा सा तनाव मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वैवाहिक जीवन के लिए समय अच्छा है, वैवाहिकता के कारण लाभ की स्थिति भी बन रही है। आपकी राशि से नवम भाव में तीन ग्रह योग मंगल गुरु केतु, केतु की पंचम दृष्टि शुक्र चंद्रमा पे पड़ना, थोड़ा सा पानी के अगल बगल में थोड़ा सा देख दाख के चलिएगा। नहाने से अगर नदी या नहर या थोड़ा सा सेफ होके नहाइएगा, सामान्य अवस्था में कहा गया। ये राशि का परिवर्तन धनदायक है कन्या राशि वालों के लिए, चाहे वो धन की स्थिति व्यवसाय में हो। व्यवसायियों के लिए समय अच्छा कहलाएगा, व्यवसाय नए काम शुरू करेंगे। व्यवसाय में अवरोध थोड़ा सा होगा लेकिन अवरोधों के उपरांत भी जो है कार्य आपके शुरू होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पीछे से आप प्लान कर रहे थे किसी से धन लेने का या धन लगवाने का, उन सभी चीजों के लिए समय अच्छा कहलाएगा। नई यात्राएं करेंगे, उन यात्राओं का लाभ भी मिलेगा। बस अपने शुगर का ध्यान रखिएगा, मधुमेह का ध्यान रखिएगा और खाना देख दाख के खाइएगा, क्योंकि पेट से संबंधित समस्याएं इस समय आपको परेशान करेंगी। सामान्य अवस्था में देखा जाए तो यह समय अद्भुत कहलाएगा। सरकारी नौकरी वालों के लिए भी प्रमोशन इत्यादि चीजों के लिए यह समय अच्छा कहलाएगा। स्थान के परिवर्तन के लिए अच्छा कहलाएगा, धन के संचय के लिए अच्छा कहलाएगा और व्यवसायियों के लिए तो है ही है। देखिए उपायों में कोई विशेष उपाय आपके लिए नहीं है, फिर भी मैं एक उपाय आपको बता देता हूं। बजरंगी की आराधना जरूर करिएगा प्रतिदिन, और कोशिश ये करिएगा शुक्रवार को अगर सुंदर कांड का पाठ कर पाए तो अद्भुत परिणाम मिलेंगे। शुक्रवार को, मंगल शनिवार को नहीं, शुक्रवार को कर पाए तो अद्भुत परिणाम मिलेंगे। केवल ये शुक्र के राशि के परिवर्तन के अंतर्गत लगभग 2 से 3 बार करना है, अद्भुत परिणाम मिलेंगे। बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए राशि का परिवर्तन कैसा रहने वाला है। देखिए तुला राशि वालों के लिए अगर देखा जाए, आपकी राशि से शुक्र दैत्य गुरु शुक्राचार्य जो है सप्तम भाव में गोचर करेंगे, यहां पर ये अकारक कहलाते हैं। लग्नेश शुक्र बनेंगे और आपका अष्टमेश बन के जो है सप्तम भाव में बैठना वैवाहिक जीवन में तनाव को दिखाता है, वैवाहिक सुखों में कमी को दिखाता है। विवाह इत्यादि चीजों की बातें चल रही तो उसमें जो है अवरोध पैदा हो सकता है इस समय पे। जो लोग राजनीति में है, जो लोग ऐसे कार्यों में है जो सरकारी तंत्र से जुड़े हैं, सरकारी तंत्र से इस समय पे नुकसान दिखाई दे रहा है। बड़ी सोच समझ के अपनी प्लानिंग करिएगा। अगर आप व्यवसायी हैं तो व्यवसायियों के लिए समय अच्छा नहीं है, देख दाख के नया काम शुरू करिएगा। इस समय पे आपको गुमराह करने वाले बहुत लोग मिलेंगे, यहां धन लगा दो, वहां धन लगा दिए, यहां धन लगा दिए, सचेत होके चलिएगा, इस समय अनुकूल नहीं कहलाएगा। पार्टनरशिप में काम करने के लिए समय अच्छा नहीं कहलाएगा और पार्टनरशिप वाद विवाद का समय कहलाएगा। विदेश से संबंधित यात्राओं में अवरोध होगा लेकिन विदेश जाने के लिए भी समय कहलाएगा। यात्राओं में अवरोध जरूर है लेकिन प्रयास करेंगे तो विदेश जाने के लिए भी समय अच्छा कहलाएगा।
अगर विदेश चले जाते हैं उसके उपरांत ये चीजें अच्छी दिखाई दे रही है, चाहे धन से संबंधित हो चाहे आपके कर्म से संबंधित हो। धन के लिए थोड़ा सा ये शुक्र का राशि का परिवर्तन आपके लिए अवरोध पैदा करेगा, काफी मशक्कत करनी पड़ेगी धन के लिए। फिर भी सामान्य अवस्था में देखा जाए तो लगन का भी मालिक है या आपकी राशि का भी मालिक है शुक्र है, ऐसे में कहा जाएगा धन का फ्लो सामान्य बना रहेगा, लेकिन मेहनत इस समय पे काफी करनी पड़ेगी। समय पे आप अपने आमदनी जो है आलस्य देखेंगे, आलस्य दूर रहिएगा, आलस्य जो है इस समय पे आपके लिए भाग्य में अवरोध पैदा करेगा, वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा समय नहीं कहलाएगा। अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। देखिए उपायों में अगर मैं बात करूं, दुर्गा सप्शती का पाठ जो है निरंतर करते रहिएगा। अगर आप दुर्गा सप्शती का पाठ रात्रि में 8:30 के बाद करते हैं तो बहुत लाभप्रद रहेगा। 8:30 से 9:30 के बीच में करते हैं तो अत्यंत उसका लाभ मिलेगा। और दूसरा उपाय, शनिदेव के मंदिर में जाके छाया दान जरूर करिएगा, तेल में जो है अपना देख के दान कर दीजिएगा, ये दो उपाय जरूर करिएगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए इस राशि का परिवर्तन के क्या योग बन रहे हैं। देखिए वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर देखा जाए, मुकदमेबाजी कर्ज इत्यादि चीजों में इस समय पे परेशानी होगी। कर्ज से बच के रहिए, कारण उसका जो है सप्तमेश है, द्वादशेश है। नए कार्यों में धन लगाने से परहेज करिएगा, नए कार्यों में धन लगाने के लिए समय अच्छा नहीं कहलाएगा। विदेश से संबंधित चीजों के लिए समय अच्छा नहीं कहलाएगा, विदेश में तनाव होगा। भले इस समय पे आप विदेश चले जाए लेकिन तनाव वहां जो है आपको झेलना पड़ेगा। धन व्यय दिखाई दे रहा, खर्च दिखाई दे रहा, उस खर्च का किसी प्रकार का कोई मतलब नहीं है। स्वास्थ्य से संबंधित चीजों पे भी खर्च होगा, स्वास्थ्य से संबंधित चीजों को देख के चलिएगा, स्वास्थ्य के लिए समय अच्छा नहीं कहलाएगा। दैत्य गुरु शुक्राचार्य जो है छठे भाव में और उनकी जहां पर विराजमान है वहां से नवम भाव में गुरु मंगल केतु और जिनके राशि में उसका अधिपति मंगल बनेगा, मंगल में द्वितीय में जाना, धन भाव में जाना, धन भाव में मंगल का जाना और राहु से दृष्ट होना, ऐसे में कहा जाएगा कि ससुराल पक्ष से भी मतभेद बढ़ेगा, ससुराल से पीड़ा मिलेगी, कार्यों में अवरोध पैदा होगा, कार्य आपके फंसेंगे, धन बड़ी दिक्कतें परेशानी धन को लेके होंगी। पीछे से आपसे कोई जो है प्रॉमिस कर रखा है कि नए काम शुरू करेंगे, यहां पर मैं इतना धन लगाऊंगा, उसमें अवरोध पैदा होगा। देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, सारी बातें पक्की कर लीजिएगा, उसके बाद नहीं तो आपने काम शुरू किया और अगले ने आपसे मुंह मोड़ लिया। पार्टनरशिप में वाद विवाद होगा, पार्टनरशिप बड़ी देख दाख के करिएगा, आंख कान खोल के चलिएगा। इस समय पे शुक्र का राशि का परिवर्तन इन सभी चीजों के लिए अच्छा नहीं कहलाएगा और विशेषकर परिवार के लिए, विशेषकर धन के लिए, विशेषकर वैवाहिक जीवन के लिए, विशेषकर अलगाव के लिए। अलगाव के लिए तो समय अच्छा है, अलग होने की स्थिति बन रही है। माता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा, माता के स्वास्थ्य के लिए समय अच्छा नहीं कहलाएगा। और शुक्र से दशम भाव में शनि का होना यह कहलाता है वाहन से दुर्घटना, वाहन से पीड़ा, वाहन के सुखों में कमी, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। कुछ उपाय मैं बता देता हूं, उन उपायों को कर लीजिएगा। देखिए उपायों में जो आपको करना है, हर शुक्रवार को कम से कम जो है 28 तारीख के बाद जो है, जो भी 3-4 शुक्रवार पड़ रहे हैं, दुर्गा जी को जो है श्रृंगार की वस्तुएं शुक्रवार को जो है उनके ऊपर चढ़ाइएगा, जाके क्षमा याचना मांगिएगा, जो भी दिक्कतें, जो भी गलतियां, जो भी परेशानियां हैं उसको खत्म करें। दूसरा उपाय, प्रत्येक बुधवार को दुर्गा जी के मंदिर में जाके, वहीं पे आपको करना है, दुर्गा जी के मंदिर में जाके थोड़ा सा गुड़ ले लीजिएगा, थोड़ा अगर गुड़ की जगह मीठा भी ले सकते हैं, थोड़ा सा मीठा ले लीजिएगा, थोड़ा सा हल्दी रोली ले लीजिएगा और थोड़े से अक्षत ले लीजिएगा। अपनी दिक्कतों को बोलते हुए दुर्गा जी के मंदिर में रख के चले आइएगा, पीछे मुड़ के मत देखिएगा, केवल वो किनारे रख के जो है चले आइएगा। ये दोनों उपाय करके देखिए लाभ मिलेगा, एक तरफ जो है बुद्ध का बल मिलेगा, एक तरफ जो है माता जो है दिक्कतों को कम करेंगी। बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए ये इस राशि का परिवर्तन क्या लेके आया है। देखिए धन राशि वालों के लिए अगर देखा जाए, लाभेश शुक्र बनेंगे और षष्ठेश शुक्र बनेंगे, शुक्र का पंचम में बैठा चंद्रमा के साथ में धन की स्थिति को बढ़ाएगा, फंसे हुए धन को जो है आपके लेके आएगा, भाग्य को मजबूत करेगा, अकस्मात लाभ की स्थिति बनेगी। धन के लिए ये राशि का परिवर्तन काफी अद्भुत कहलाएगा।
भाग्य को बढ़ाने के लिए चंद्रमा से या शुक्र से नवम भाव में गुरु मंगल केतु आपकी राशि पे संचरण करेंगे। ऐसे में कहा जाएगा कि मान प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी। राजनीति के लिए समय काफी अच्छा कहलाएगा और स्थान के परिवर्तन के इस समय पे योग बनेंगे। नौकरी में पीछे से आपकी छूटी हुई है, रुकी हुई है, उन सभी चीजों के लिए समय अच्छा है। नौकरी में आपको जो है प्रमोशन के भी योग है, नौकरी आपको मिल जाएगी, स्थान का परिवर्तन भी हो जाएगा और प्रमोशन भी हो जाएगा। वैवाहिक जीवन के लिए समय अच्छा कहलाएगा, गर्भधारण के लिए अच्छा समय कहलाएगा, गर्भवती स्त्रियों के लिए समय अच्छा कहलाएगा, गर्भ धारण करने के लिए समय अच्छा कहलाएगा, विद्यार्थियों के लिए समय काफी अनुकूल कहलाएगा और पीछे से विद्या अध्ययन रुकी हुई है, छूटी हुई है या फिर आपके पेपर है, इस समय पे आपका पेपर अच्छे होंगे। सामान्य अवस्था में देखा जाए तो धन राशि वालों के लिए राशि का परिवर्तन अच्छा कहलाएगा। बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए राशि का परिवर्तन कैसा रहने वाला है। मकर राशि वालों के लिए अगर देखा जाए तो आपकी राशि से शुक्र चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे और शुक्र को यहां पर आधिपत्य है या फिर कह लीजिए बल प्राप्त हो जाता है। पंचमेश शुक्र और कर्मेश शुक्र होके चतुर्थ भाव में बैठा, कर्म का मालिक पंचम लक्ष्मी का मालिक होके चतुर्थ बैठा, चतुर्थ भाव सुख का भाव है, सुखों को बढ़ाएंगे, धन को बढ़ाएंगे, धन के लिए समय जो है आपके लिए अद्भुत समय कहलाएगा। भाग्य समय पे पूर्ण रूप से आपका साथ देगा, कम मेहनत में ज्यादा चीजें आपको मिलेंगी, लाभ की स्थिति पूर्ण रूप से बनी हुई है, नए कार्य आप इस समय पे शुरू करेंगे, नए कार्यों का दिमाग में आएगा। अगर पीछे से कार्य रुके हुए तो फंसे हुए तो इस समय पे आपके जो है कार्य बढ़ने लग जाएंगे। विदेश से संबंधित चीजों के लिए ये समय अच्छा है। जो लोग बाहर देशों में रहते हैं या दूर रहते हैं, अगर वो चाह रहे हैं कि घर परिवार के पास रहना या फिर अपने जिले में आके रहना, उसके लिए समय अच्छा, इस समय पे प्रयास करिए, आपकी व्यवस्थाएं हो जाएंगी, चाहे नौकरी से संबंधित हो चाहे व्यवसाय से संबंधित हो। प्रयास कर रहे थे कि अपने घर परिवार के पास आके रहने का, इस समय पे चीजें आपकी बनती हुई दिखाई दे रही हैं। माता के स्वास्थ्य में और आपके स्वास्थ्य में दोनों में लाभ मिलेगा इस समय पे। घर परिवार का सपोर्ट मिलेगा, घर परिवार का इस समय पे सुख मिलेगा। वाहन जिन लोग को खरीदना चाह रहे हैं, कई दिनों से फंसा हुआ था, वाहन सुख मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सामान्य अवस्था में देखा जाए तो ये समय अच्छा कहलाएगा, ये समय जो है गर्भवती स्त्रियों के लिए भी अच्छा कहलाएगा। ऐसे में कहा जाएगा शुक्र का राशि का परिवर्तन मकर राशि वालों के लिए अद्भुत परिणाम देगा। बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए ये राशि का परिवर्तन कैसा होने वाला है। शुक्र का राशि का परिवर्तन कुंभ राशि वालों की अगर बात करें तो आपकी राशि से तृतीय भाव में मेष राशि में संचरण करेंगे शुक्र आने वाले समय में, जिसका अधिपति लाभ में बैठना, जहां से धन आता है। ऐसे में कहा जाएगा यात्राएं करना शुरू कर देंगे और यात्राओं से अद्भुत लाभ मिलेगा। सामान्य अवस्था है, यात्राओं के अलावा भी जो है लाभ की स्थिति पर्याप्त मात्रा में बनी हुई है। शुक्र की सप्तम दृष्टि आपके भाग्य पड़ेगी और भाग्य पे उनका ही उनकी ही राशि है। चतुर्थेश और भाग्येश के तृतीय भाव में बैठना, ऐसे में कहा जाएगा भाग्य के धम पे इस समय पे धन कमाएंगे, नए कामों की शुरुआत करेंगे, कार्य पीछे से लटक रहे थे उनमें सरलता आ जाएगी, नए काम आपके शुरू हो जाएंगे। प्लानिंग पीछे से कर रहे थे, शुरू करना है कई दिन लटक रहा था, उन कार्यों के लिए समय अच्छा है। धन कहीं फंसा है, रुका हुआ है, इस समय पे आपका जो है चीजें बन जाएंगी, धन आता हुआ दिखाई दे रहा है। कारण उसका इस समय पे ऊर्जा और साहस और पराक्रम, तीनों चीजों का समावेश आपके अंदर रहेगा। धैर्य से काम लेंगे, यात्राएं करेंगे, धार्मिक यात्राएं इस समय पे संभव हैं। और थोड़ा सा पत्नी के कारण या वैवाहिक जीवन में तनाव दिखाई दे रहा है, जो भी आपका जीवन साथी है, सामान्य अवस्था में देखा जाए ये गोचर आपके लिए जो है अद्भुत परिणाम देगा। बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला शुक्र का गोचर। देखिए मीन राशि वालों के लिए देखा जाए द्वितीय भाव में शुक्र का गोचर रहेगा, धन के लिए काफी अच्छा है, मान सम्मान प्रतिष्ठा के लिए अच्छा है, मान सम्मान प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी, धन का आवागमन बढ़ेगा, धन फंसा है रुका हुआ उन सभी चीजों के लिए शुक्र का राशि का परिवर्तन अद्भुत परिणाम देगा। ससुराल पक्ष से ये राशि का परिवर्तन अद्भुत परिणाम देगा। कारण उसका जो है तृतीयेश और अष्टमेश के द्वितीय भाव में बैठना कुटुंब में आपके जो है सुख पैदा करेगा। कुटुंब में किसी प्रकार की घर परिवार में दिक्कतें परेशानी चल रही तो उनके लिए समय अच्छा कहलाएगा। विवाह से संबंधित चीजों के लिए समय अच्छा कहलाएगा और धन की आवक बहुत बेहतर दिखाई देगी। इस समय पे आपकी सेविंग भी होगी। सामान्य अवस्था में देखा जाए तो मीन राशि वालों के लिए राशि का परिवर्तन अद्भुत परिणाम देगा, धन के लिए भी, प्रतिष्ठा के लिए भी और नए कार्यों के लिए भी। इस तरीके से शुक्र के राशि के परिवर्तन के लिए परिवर्तन के बारे में मैंने बताया। अभी के लिए बस इतना ही।